नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं, जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं ग्राफ थ्योरी पर। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं विद स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो आइए उस डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में समझेंगे, अगर नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस दोनों फिक्स कर दें तो व्हाट कुड बी द आंसर। तो चलिए दोस्तों, बात स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, लॉजिक क्या है कि कुछ पैटर्न्स बड़े इजी हो सकते हैं, बट एक बार उन पर डिस्कशन कर लेना जरूरी है, कि बिकॉज अगर डिस्कशन नहीं करेंगे तो कभी कभी हो सकता है बात क्लिक नहीं करे। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ्स पॉसिबल विद एन वर्टिसेस एंड ई एजेस। तो देखिए, अभी मैंने एक बात आपको समझाई, लास्ट वीडियो में समझा कि नंबर ऑफ वर्टिसेस यहाँ पर फिक्स कर दिए हैं एन, ठीक है। तो उस केस में नंबर ऑफ एजेस का रेंज क्या हो सकता है? तो हमने समझा था मिनिमम नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो हो सकते हैं हमारे जीरो, और मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो होंगे n इंटू एन माइनस वन बाई टू। इतनी बात तो हमको समझ आएगी कि मिनिमम और मैक्सिमम क्या क्या रेंज हो सकती है। अब देखिए, एक बात समझिएगा, यहाँ पर ये रेंज एक्चुअली आपके पास नहीं है, बिकॉज फिक्स कर दिया कि मान लीजिए नंबर ऑफ एजेस कितने हैं e। अब अगर नंबर ऑफ एजेस हमारे पास फिक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे ऐसे पूछ लेता हूँ कि लेट मी से नंबर ऑफ वर्टेक्स जो हैं वो हमारे लेट मी से कर दिए 4 और नंबर ऑफ एजेस हमारे पास हैं 3। तो अब ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है कि वर्टेक्स कितने रखने हैं, एज कितने रखने हैं। तो एज जो है 3 ही रखने हैं, बट एक ऑप्शन अब भी हमारे पास है दोस्तों कि वो जो एज है वो कहाँ पे रखना है। तो 3 एजेस हैं, तो 3 एज से मैं ऐसा कुछ बना सकता हूँ, 3 एज से मैं ऐसा कुछ बना सकता हूँ, 3 एज से मैं कोई और पैटर्न भी जनरेट कर सकता हूँ। तो लेट मी से समथिंग लाइक दिस। तो लॉजिक समझिएगा, आइडिया समझिएगा कि नंबर ऑफ वर्टेक्स फिक्स है, नंबर ऑफ एजेस फिक्स्ड है, लेकिन वो एजेस से भी अब भी डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। पहले वाले केस में हमारे पास दोनों ऑप्शन थे कि आप एजेस भी चूज कर सकते हैं, उनका लोकेशन का पोजिशन भी चूज कर सकते हैं, बट इस बार एजेस फिक्स कर दिया है लेकिन आपके पास ऑप्शन अब भी है कि उनका पोजीशन चूज करने का। अब देखिए, एक आइडिया समझिएगा, नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस फिक्स्ड है, तो लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। टोटल सारे एजेस की पोजीशन है, जैसे इसी एग्जांपल में हमने समझा है टोटल यहां पर कितनी एजेस हो सकती हैं 6 विद 4 वर्टिसेस। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ऑब्जर्व कर सकता हूं क्या, आउट ऑफ 6 3 एज पिक करने के कौन कौन से तरीके हुए? लॉजिक समझिएगा, बिकॉज किसी फॉर्मूला पे इसको लेके आना है। टोटल एजेस यू हैव 6 जो आप निकाल सकते हो फॉर्मूला से कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस में से कोई भी 3 एज पिक करने के जितने तरीके होंगे उतने ही डिफरेंट सिंपल ग्राफ पॉसिबल होंगे विद 4 वर्टिसेस एंड 3 एजेस। तो मेरे से ये बात हम समझ सकते हैं, और अगर ये बात सही है तो फिर तो इसको हम एक फॉर्मूला में डिराइव कर सकते हैं। तो जैसे हम जानते हैं NCR एक फॉर्मूला हमारे पास होता है जो बताता है n में से टोटल n एलिमेंट्स में r एलिमेंट पिक करने के कितने तरीके, कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो वही बात यहां पे पूछता हूं आपसे, टोटल कितने एजेस हैं वो हमको पता है क्योंकि मैक्सिमम नंबर या जो नंबर ऑफ वर्टिसेस है वो है n। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो है दोस्तों वो होता है n इंटू एन माइनस वन बाई टू, ये टोटल नंबर ऑफ एजेस हैं। और इसमें से हमको सिर्फ कितना चाहिए, हमको चाहिए e। इसका मतलब नाउ दैट इज अ फॉर्मूला यूजिंग विच आप कैलकुलेट कर सकते हैं हाउ मेनी डिफरेंट सिंपल ग्राफ पॉसिबल विद एन नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड ई नंबर ऑफ एजेस। तो अगर यहां पर ये क्वेश्चन दिया गया था तो अब बोला जा सकता है नंबर ऑफ वर्टिसेस 4, देन 4 इंटू 4 माइनस 1 बाई 2 सी, और आपको कितना चाहिए 3। वैसे हमने इसको सॉल्व किया तो समझा है दैट इज नथिंग बट 6c3। तो खैर, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये बेसिक बात है। व्हाट इज NCR? सो इट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बेसिक कैलकुलेशन है, बट मैं आपको आइडिया समझा रहा था। तो नाउ दैट इज अ फॉर्मूला जिसके थ्रू आप डिराइव कर सकते हैं कि स्पेसिफिक वर्टिसेस और स्पेसिफिक नंबर ऑफ एजेस के बाद कितने डिफरेंट सिंपल ग्राफ बना सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से ये वीडियो जो लास्ट वीडियो हमने डिस्कस की थी, इन दोनों वीडियोज के अंदर ये एक बेसिक क्वेश्चन मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दैट कुड बी अ वन मार्क क्वेश्चन जहां आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है। अगर फॉर्मूला आपको याद है और अगर आपने समझा है ये पैटर्न, तो फॉर्मूला आपको याद रहेगा, जस्ट वैल्यू भरनी और आंसर निकालना, एक नंबर का क्वेश्चन है तो एक मार्क आपको मिल जाएगा, आप समझिएगा। तो बड़ा ही आसान सा लॉजिकल बात थी। तो दोस्तों, अभी तक बेसिक डिस्कशन हमने किया
इस तरह के बेसिक कॉम्बिनेशन बात की, और डिग्री सीक्वेंसेस पे काफ़ी मेथड लॉजिक हमने ट्राई किए हैं, और हैंड शेकिंग थ्योरम जो है या फिर जिसको हम सम ऑफ डिग्री थ्योरम भी बोलते हैं उस पर हमने डिस्कशन किया। अब बिफोर आई टेक दिस डिस्कशन फर्दर, और जैसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि कौन से अलग अलग टॉपिक्स है जिस पर डिस्कशन कर सकते हो, तो डिग्री टॉपिक लॉजिकली हमने कंप्लीट कर लिया है, तो अभी दोस्तों थोड़ा सा कुछ टाइप ऑफ ग्राफ एक बार डिस्कस करते हैं आने वाली अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में, जैसे बाइपार्टाइट ग्राफ क्या है, रेगुलर ग्राफ क्या है, साइकिल ग्राफ क्या है, तो टर्मिनोलॉजी कभी कभी हमारे काम आती हैं, तो एक बार ये डिस्कशन कर लेते हैं बेसिक ग्राफ्स के ऊपर, और फिर एक मेजर टॉपिक स्टार्ट करेंगे चाहे ट्रेवर्सिंग या कनेक्टिविटी, और उस पर लगातार काम करते चलेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा मुझे दीजिए समय, और बहुत जल्दी हासिल होता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।